चलिए हमने जो 14 से लेकर 20 जुलाई तक का करंट अफेयर था उसका एक पार्ट पढ़ लिया था, कुछ 17-18 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आज 18 से आगे पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे ठीक है, क्योंकि खत्म करना है इसको जल्दी से। पहला है लुइस एशिविरिया, हु वॉज पास अब वॉज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अब एक लुइस एशिविरिया नाम के बंदे हैं जो कि जिनका निधन हुआ है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब ये पीसीएस ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन वन डे एग्जाम वगैरह में ये पूछ लिया जाता है ठीक है, इस तरह का एग्जाम क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। वो मैक्सिको के आपके प्रेसिडेंट रहे हैं ये ठीक है, तो जो छोटे एग्जाम्स कभी कोई दे रहा हो, वन डे एग्जाम दे रहा हो, तो उनके लिए इस तरह का आया था। अब मैक्सिको कहाँ पर है, चलिए अब पीसीएस में आता हूँ मैं, नॉर्थ अमेरिका। मसला क्या है मैक्सिको से संबंधित, कोई दो मसले मुझे बताइए, अमेरिका और मेक्सिको की सीमा का मसला है, क्या मसला है जल्दी बोल फटाफट एक लाइन में, मेक्सिको और उसमें क्या फर्क है। मैंने 2016 का इंटरव्यू दिया था, मुझसे सवाल पूछा गया था ये, मेक्सिको के बहुत सारे लोग जो हैं वो इलीगल अमेरिका में चले जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि मेक्सिको में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, गरीबी आता है, तो अमेरिका में काम करने चले जाते हैं। अब जब अमेरिका चले जाते हैं तो अमेरिका में जो मैन पावर है, जो अमेरिका के लोकल मैन पावर है, उनको काम नहीं मिलता, क्योंकि मेक्सिको के लोग जो है सस्ता लेबर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ के खेतों में काम करते हैं, अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं ठीक है। तो अब जैसा कि मान लो बहुत बड़े बड़े खेत हैं उनके, तो फैमिली की फैमिली रुकी, जैसे कि लेट सपोज अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, पंजाब के जो किसान हैं वो डिपेंड है बहुत सारे बिहार के किसान मजदूरों के ऊपर, तो बिहार के मजदूर जो है अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, वहीं पर वो अच्छा फैमिली रहती भी है, बीवी बच्चे सब लोग जो है वो काम उस खेत में काम करते हैं, तो एक फैमिली काम करती है तो भागते नहीं है ये लोग। तो मैक्सिको के किसान भी ऐसे ही हैं, पूरी फैमिली के साथ जाएंगे तो भागते नहीं, तो मैन पावर की दिक्कत नहीं होती है अमेरिका वालों को, अमेरिका के लोगों, लेकिन अमेरिकन मजदूर बेरोजगार हो गया ठीक है, तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया उसके ऊपर, तो प्रेशर आ गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आया बोला कि हम दीवार खड़ी कर देंगे कि जो इलीगल लोग ना जा पाए, जो कि एक तरह का कहता है कि जबरदस्ती फालतू का फैसला था, क्योंकि दीवार खड़ी कर भी लोगों तो नीचे से खोद के निकल गया लोग, अगर कोई बहुत सलूशन नहीं है ठीक है। तो ये मसला रहा। दूसरा मसला क्या है कि ड्रग्स का कैपिटल है मैक्सिको, पिक्चरें देखते हो तो आप देखो उसमें ड्रग्स माफिया अमूमन मैक्सिको का होता है ठीक है, तो दो ये बहुत बड़े मसले। और ड्रग्स जो है वो मैक्सिको से अमेरिका जो है वो जाता भी है, मतलब स्मगल होता है बहुत सारा, तो अमेरिका में जितना भी ड्रग्स है वो मैक्सिको से होकर जाता है वो ठीक है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर टॉपिक का आप और छोर पता रहे आपको क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो मैं आपको जो मैंने पूछा है आपसे वो क्वेश्चन तो आ सकता है, वो तो जानते देखो, क्योंकि इंटरव्यू मुझसे पूछा गया, इंटरव्यू में सवाल ये क्यों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस समय दीवार खड़ी करने की बात कर रहे थे, ये मैक्सिको और अमेरिका के बीच में एक दीवार खड़ी होनी चाहिए, और उसमें बोल रहे थे कि मैक्सिको वाले भी पैसा दें, मतलब दीवार खड़ी करेंगे हम, लेकिन मैक्सिको वाले भी पैसा दो, कहते हम क्यों दें, तकलीफ तुमको हो तो तुम दो पैसा, लगाओ पैसा। चलो फटाफट पढ़ते हैं। इंडिया हैज बैग्ड डैश मेडल्स इंक्लूडिंग 4 गोल्ड इन द एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप इन मनामा बहरीन। भारत ने बहरीन में मनामा के एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित डैश पदक जीते हैं, कितने हैं, आई थिंक 22 होंगे, 22। बहरीन कहां पर है पहले देखो, चलो चलो हाँ बताइए बहरीन कहां पर है, तो मैं आपको बताऊँ बहरीन कहां पर है, आगे समझ में कैसे कैसे पढ़ा जाता है ठीक है, तो बहरीन पता होना चाहिए ठीक है। रेसलिंग पता ही आपको, कुश्ती होती है हमारे देश में ठीक है। अब ये अंडर 20 अब रेसलिंग चैंपियनशिप है, ये अंडर 20 है जो बहरीन में हुआ, तो आपसे अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ देगा, मान लो छोटे एग्जाम में पूछ लिया, क्योंकि अब ये तो पीसीएस तक पहुंचते पहुंचते तो नहीं इतना रेलिवेंट रहेगा, लेकिन अगर हाल फिलहाल में अगर पेपर आप दोगे कोई तो आपको अंडर 20 रेसलिंग का पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ, तो बहरीन के अंदर हो गया ठीक है। अच्छा 22 मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड जीते हैं रेसलिंग में इंडिया। अच्छा, रेसलिंग के बारे में कितनी जानकारी आपको है, रेसलिंग के बारे में, कुश्ती के बारे में? चलिए मैं ऐसा सवाल पूछता हूँ कितने लोगों को गोल्ड, कितने लोगों को मेडल मिला पिछले ओलंपिक में रेसलिंग के अंदर? बजरंग पूजा क्या मिला था, सिल्वर मिला था, और बताइए चलो गुड, लविना गुड मुख्य बात थी। चलो टोटल कितने मेडल मिले थे, 7 ठीक है, रवि दहिया था एक ठीक है, और भी अच्छे अच्छे हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो बताओ, नहीं कुश्ती में
जीती नहीं थी, नहीं जीती थी, लेकिन पिछली बार जीती थी 16 वाले में। विनेश फोगाट इस बार गई थी, पिछली बार साक्षी मलिक जीती थी। ठीक है, पता पता जानकारी रखो यार, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने साक्षी मलिक का विनेश फोगाट का नाम क्यों लिया, यूपीएससी में सवाल पूछा गया था कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर उसमें महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, जहां महिलाएं हैं तो कुछ अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई महिलाओं के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि उनका रोल फ्रीडम स्ट्रगल में क्या है, उनका रोल बिजनेस में क्या है। अगर मैं बिजनेस में बोलूं तो दो चार बड़े नाम तो बताना चाहिए हम लोगों को। बताओ नाम, फार्मासिस्ट कौन से तुम? अच्छा नमिता, उससे भी बायकॉन की जो मालिक है किरण मजुमदार शाह, उनका नाम लिया करो, वो बहुत बड़ी मतलब बिजनेस। ठीक है, ऐसे अभी और लेटेस्ट में बताऊँ मैं आपको, देखो नाम, अरे वो आप कंपनी कौन सी है, नायका, नायका, ठीक है, तो उनकी जो वो फाउंडर हैं, चार हर फील्ड में दो तीन लोगों का नाम आपको रखना है। महिलाओं के ऊपर सवाल बहुत बनते हैं, बहुत बनते हैं, हर साल कुछ ना कुछ बन जाएगा और महिलाओं के नाम आपको चिपकाने पड़ेंगे कि आपको, अगर महिलाओं की पढ़ाई करनी पड़े तो आपके पास दो चार नाम अलग अलग फील्ड में होने चाहिए। मैं ये आपको बता रहा हूँ किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है, जो दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो भी याद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये रह गया, 19 ईयर ओल्ड जाह्नवी डंगिटी हैज बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू कॉम्पिटीट द एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम एट द एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर AATC इन पोलैंड। शी इज फ्रॉम विच स्टेट? एक जाह्नवी डंगेती नाम की हैं, उनको उन्होंने एक एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम जो था जो कि पोलैंड में था, पहला सवाल ये बन जाएगा कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, पोलैंड में था। वो कहाँ की, किस राज्य की हैं? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, ये है, और ये यंगेस्ट पर्सन टू कॉम्पिटीट द एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम है ये। ठीक है, जो पोलैंड में होता है, शी वाज़ द वन अमंग द 6 पर्सन सेलेक्टेड फ्रॉम द अक्रॉस द ग्लोब फॉर द प्रोग्राम, मतलब पूरे दुनिया में 6 लोगों को, तो भाई उसमें से एक ये है, तो नाम ये याद रखना। ठीक है, ये नाम बड़े, क्योंकि ऐसे बड़े यूनिक नेम है ना ये सब, ये करंट अफेयर्स के सवाल हैं, अगले हाल फिलहाल में कुछ आ जाए तो और अगर यूथ से जुड़ा हुआ कुछ आ जाए या लड़की से जुड़ा हुआ कुछ आ जाए तो भी नाम इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 बाय टाइम मैगजीन? टाइम मैगजीन के बारे में पता क्या है? टाइम मैगजीन और फोर्ब्स मैगजीन, दो मैगजीन्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर सवाल कौन कौन से बनते हैं पीसीएस में बताता हूँ। फोर्ब्स मैगजीन के ऊपर अमूमन हम जो बड़ी फेमस है वो है रिचेस्ट पर्सन के ऊपर, सबसे रईस आदमी कौन सा है वर्ल्ड में, एशिया में, तो उसके बाद आपका फोर्ब्स जो एक निकालती है मैगजीन, उधर कई तरह की निकालती है, फेमस क्या है वर्ल्ड रिचेस्ट लोगों का है, हर साल निकलता रहता है। इस समय कौन है रिचेस्ट, रिचेस्ट कौन है? हाँ, रिचेस्ट एलन मस्क, एलन मस्क सबसे रईस आदमी है। सेकंड नंबर पे कौन है? जेफ बिजोस। नाम कौन है ये? अरे याद ही तो नहीं रहता है, बताओ भाई जेफ बिजोस क्या है? उसे तुमने उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, पक्का किया होगा 100% अमेज़न। ठीक है चलो, अच्छा अब एलन मस्क का क्या है? टेस्ला, टेस्ला है। ठीक है, और बताओ, एक और बताओ, अंबानी पढ़ाओ, मैं नहीं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि एलन मस्क का एक दो प्रोडक्ट नाम बताओ, वैसे तीन चार बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेकिन दो बताओ जो सबसे ज़्यादा फेमस है। आपने टेस्ला बोल दिया, टेस्ला है क्या? टेस्ला क्या है जल्दी बताइए फटाफट। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक कार है। ठीक है, जो इंडिया में भी प्लांट डालने जा रही है वो। ठीक है, अब अगले 5 साल में देखिएगा कि पेट्रोल वाली गाड़ियां खत्म हो रही हैं, सीएनजी भी खत्म हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ भविष्य बता रहा हूँ, 5 साल के 10 साल के बाद धीरे धीरे अगले विदिन 5 से 10 ईयर्स में जो इंसान है वो इलेक्ट्रिक कार की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। ठीक है, और आप जितनी गाड़ियों कार की कंपनीज देख रहे हो, मारुति होंडा और ये सब भी बर्बाद होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो डीजल गाड़ियां या पेट्रोल गाड़ियां होती हैं इनको बनाने में एक्सपर्टीज ज़्यादा चाहिए होती है, हर आदमी के बस की बात नहीं होती कि वो इन गाड़ी के इंजन बना पाए, इन गाड़ी को बना पाए, तो बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो इस सेक्टर में आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कहानी क्या है, इसमें कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सिंपल एक आपको वो बैटरी दे देते हैं जो कि बैटरी पैनल कंपनी आपको दे देंगे, ना वो इंजन होता ना कुछ होता है, और आराम से मिनिमम कंपोनेंट के साथ वो गाड़ी लॉन्च कर सकते हो।
तो क्या होगा अगले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, अगर आप भी चाहोगे तो कार कंपनी आप खड़ी कर सकते हो। मतलब एक्सपर्टीज कम हो जाएगी, ज्यादा तामझाम नहीं रहेगा। जब ज्यादा तामझाम नहीं होता है तो मार्केट बहुत क्राउडेड हो जाता है, ठीक है। और बड़ी कंपनी जो कि ऑलरेडी इतना बड़ा प्लांट बना रखा है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ला जो है भविष्य रहेगा उसका, हो सकता है और कंपनीज बनाए। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह बहुत सारी आप देखने को मिल गई हैं आपको, यो बाइक्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है। अब सवाल मेंस का देख लेते हैं, इसके ऊपर जो पूछा भी गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सब्सिडीज के ऊपर आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सरकार ने सब्सिडी हटा दी थी इसके ऊपर, सब्सिडी हटाने से अब जैसे कि दो बाइक्स अभी हाल फिलहाल में आई हैं, अगर आप नाम सुनोगे, ओला बाइक, ओला स्कूटर बड़ा फेमस, ठीक है। ओला ने लॉन्च किया, बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कुछ दिक्कतें आई हैं, फट गया उसका बैटरी, फट जाती है उसकी, मतलब कुछ एक दो ओला की नहीं थी और भी दूसरे थे, मतलब दूसरी एथर जो है वो आए। तो कुछ अब क्या स्टार्टअप जो हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक्स पे आ गए हैं बहुत सारे, और हाल फिलहाल मतलब समझो कि 2-4 साल के अंदर आप देखोगे बाइक्स में भी एक सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक बाइक पर आ जाएगा। अब सरकार कितना सब्सिडी देती है, सरकार की पॉलिसीज क्या हैं इसके ऊपर, ये आपको मद्देनजर ध्यान रखना है। सरकार चाहती है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और जैसे मैं पहला सवाल पूछा था कि फॉरेक्स रिजर्व के बारे में पूछा था आपसे, किस तरह से इम्पोर्ट घटाएंगे, तो भैया इलेक्ट्रिक बाइक को बढ़ावा देंगे तो पेट्रोल की खपत वैसी कम हो जाएगी, तो हमारा जो इम्पोर्ट है जो पेट्रोलियम वाला वो कम हो जाएगा। सरकार जानबूझ के इस पे ध्यान दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक चीजों को अपनाएं। चलिए, विच इंडियन स्टेट इज इंक्लूडेड इन द, हाँ ये कौन सा क्वेश्चन है बताइए, आंसर क्या है, केरला, ठीक है। तो फोर्ब्स के बारे में था, टाइम्स के बारे में था, टाइम्स जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर निकालता है, पर्सन ऑफ द ईयर निकालता है कि जो कवर पेज पे आता है, तो एक बार मोदी जी की फोटो आई हुई है, ठीक है, फ्रंट पेज पे आई हुई, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आता है। तो अगर ऐसा हाल फिलहाल में अगर कोई इंडियन आ जाए तो आपको पता, कहे ओबामा है, हर साल ये करंट अफेयर्स का सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसी ने निकाला है, टाइम्स की लिस्ट निकाली है, उसमें केरला को निकाला हुआ है। तो केरला को क्या बोलते हैं, अच्छा इसमें अहमदाबाद और केरला दो इलाके हैं, और केरला बहुत ही खूबसूरत जगह है, गॉड्स ओन कंट्री, जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। लोग पता नहीं कि स्विट्जरलैंड यूरोप जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान में ही इतनी बेहतरीन बेहतरीन जगह है, आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, आप केरला चले जाओ, गोवा चले जाओ, हिमाचल, जम्मू कश्मीर चले जाओ, मतलब पूरा दुनिया जो है पूरा इंडिया में ही सब बसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं जो इंडिया से बाहर है। चलिए, गए हो केरला आप लोग? इंडिया रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट मंकी पॉक्स केस इन विच स्टेट, मंकी पॉक्स बीमारी आ गई केरला में आया है ना, मंकी पॉक्स है क्या, मंकी पॉक्स क्या है, मंकी पॉक्स एक डिजीज है जो कि जानवरों से ट्रांसफर होती है, मंकी से ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। जैसे कोरोना में भी था कि वो बैट से ट्रांसफर हुआ था इंसानों में, ठीक है। मंकी पॉक्स का क्या कि वो भी ट्रांसफर हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो खतरा वो है वो कोरोना में बहुत ज़्यादा था, लेकिन मंकी पॉक्स में इतना नहीं है। मंकी पॉक्स में ऐसे दिक्कतें आ जाती हैं, आपको दाने पड़ जाते हैं, देखना अच्छा नहीं लग रहा ना, क्या करें, ठीक है। लेकिन इसमें अभी इतना एडमिट करने का इतना ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, अब जूनोटिक डिजीज है, इसका मतलब क्या है कि मतलब वायरल और वायरल डिजीज है। अब देखो सवाल कैसे बन जाएगा, सवाल बन जाएगा कि ये वायरल डिजीज है कि बैक्टीरियल डिजीज है, समझ रहे हो, ये क्या बोलते हैं, समझ गए ना, ये वायरल डिजीज है। सवाल पूछ लिया मंकी पॉक्स क्या है, बैक्टीरियल है, इस तरह के साइंस क्वेश्चन तो आते ही हैं कि वायरस वाले बताइए, बैक्टीरिया वाले बताइए, फंगस वाले बताइए, आते ना सवाल आपके, ठीक है। तो मंकी पॉक्स आपका वायरल डिजीज हो गई, आपकी पहली चीज तो ये होगी। दूसरा क्या है, जूनोटिक डिजीज है, यानी कि जानवरों से ट्रांसफर होती है आपकी, ठीक है, ये आपको रखना है इसके अंदर, बस थोड़ा लेसर क्लेन का सेवरेबिलिटी है, मतलब ज्यादा इतना रखते हैं। तो केरला में हाँ कम नहीं, डेंजरस तो है, ये देखने में अच्छा लग रहा है तो बताओ, लेकिन मरने के जो वो है कम है, कोरोना से कम है। ये ना जो इंसान जानवरों के इलाके में जो कब्जा कर रहा है ना, जानवर बदला ले रहे हैं उसका, कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से भाई आपने क्या किया, मकान बनाना शुरू कर दिए जानवरों के इलाकों में, ठीक है। तो पहले तो आपके 10 साल पहले मंकी आ जाया करते थे, अब आते हैं मंकी आना शुरू हो गया, ठीक है, अब मंकी पॉक्स आना शुरू हो गया। मंकी रहेगा कि बेटा हम तो बदला लेंगे, हमारा घर तो तुमने जो बर्बाद किया है, हम तो बदला लेंगे, तो क्या करें तब,
बैट, देखो कोरोना वायरस भी तो यही इसी कारण फैल गया था कि जब इंसान, अब समझना इस बात को, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका GS1 का टॉपिक आ जाएगा, मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं एक्स्ट्रा, इसलिए कहते हैं यार थोड़ा सा GS1 में आपका अर्बनाइजेशन आता है ना, नगरीकरण आता है। अब मुझे नहीं पता सवाल क्या पूछेंगे, लेकिन एक पॉइंट बस दे रहा हूँ यहाँ से कि जिस तरह से शहर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, जब शहर बढ़ते हैं तो अब शहर के बगल में जो फॉरेस्ट होता है, ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है, आप जानवरों के इलाके में चले जाते हो, ठीक है, और जानवर के इलाके में जाते हो तो जानवरों से कॉन्टेक्ट इंसानों का बढ़ जाता है, और जानवर से कॉन्टेक्ट बढ़ने से क्या होता है कि जानवरों से बीमारी फिर आपको ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। पहले कम था, अब इससे ज़्यादा होने लगा क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनने शुरू हो गए हैं इस इलाके। ऐसे कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, कोरोना में चाइना में जो वुहान इलाके में, यही तो हुआ कि जो एक व्यक्ति से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो व्यक्ति का एक सुअर का अपना वो था, क्या नाम है, बाड़ा था, और वो बाड़ा जो था वो जंगल के पास में था, ठीक है, जो बैट थे वो बैट ने पिक के ऊपर वो अपने वायरस छोड़े और उस पिक से एक उस इंसान के पास आए और उस इंसान से पूरी दुनिया फैल गया, ठीक है, ऐसा होता है। तो जितना आप कांटेक्ट में आते जाओगे जानवरों के साथ तो जानवरों से ट्रांसफर होने वाली बीमारियां भी आपको बहुत से लगने शुरू हो जाएंगे, और आप देखिएगा अगले, मतलब ये एक अपने आप में बड़ा एक खतरा है क्योंकि इंसान की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती चली जा रही है, वो कंट्रोल नहीं हो रही है, सबको मकान चाहिए, सबको घर चाहिए, घर कहाँ, जमीन तो उतनी है ना, ठीक है, तो अब क्या करोगे, ऑप्शन क्या है इसका बताओ, सोल्यूशन क्या है, एक बताओ मुझे, आप अपना अपना राय दे सकते हो, वैसे 4-5 पॉइंट उसमें हो सकते हैं, लेकिन आप लोग अपना बताओ, एक मुझे बताओ। मुझे लगता है कि शहरों को बड़ा करने से अच्छा है कि जो गांव हैं उनको सशक्त किया जाए कि माइग्रेशन कम हो, ठीक है, शहरों जो गांव जो है उनको भी अगर डेवलप कर देंगे तो माइग्रेशन अगर कम हो जाएगी तो हमें उतनी तादाद में नहीं चाहिए होगा, तो कुछ हम रफ्तार को थोड़ा स्लो कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि एक दवाई को बनने में समय लगता है, बीमारियां बहुत सारी हैं, और वायरस अपने आप को मॉडिफाई जिस तरह से करता है, हमने कोरोना के टाइम में देख लिया है, कोरोना है, ओमिक्रोन था, डेल्टा वायरस था, लगातार वो अपने आप को करता चला गया, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द मिशन शक्ति स्कीम, मिशन शक्ति स्कीम किसने स्टार्ट की है भैया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, AS का है मिशन शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज इशूड डिटेल्ड गाइडलाइन फॉर द मिशन शक्ति। अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे प्री हो चाहे मेंस का हो, सकता है ऐसे में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, मिशन शक्ति पूछ सकते हैं, इसको डिटेल में बता देंगे क्या है। मिशन शक्ति हैज लॉन्च एज एन इंटीग्रेटेड, क्या है ये इंटीग्रेटेड, मतलब कि सब एकीकृत है, मतलब सब मिला, इसमें कई चीजें हैं उसके अंदर, एक पैकेज वाला है पूरा मामला, ठीक है, इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। अब एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है, जहां पर महिला अपने फैसले ले सके खुद। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो भूखी मर रही हो तो खाना मिल गया हो, पैदल चल रही हो तो गाड़ी मिल गई हो, ये डेवलपमेंट है। लेकिन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि जब अपने फैसले ले सकती है, अच्छे, तो ये एक इंटीग्रेटेड वुमेन प्रोग्राम है एज एन एम्ब्रेला स्कीम, एम्ब्रेला, मतलब इसके अंदर बहुत सारी दूसरी स्कीम भी हैं, ठीक है, ये क्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये अंडरलाइन लिखी है क्योंकि अगर मान लो इसके ऊपर स्टेटमेंट वाले सवाल आ जाएं कि तीन स्टेटमेंट ही आ गया, कि बताओ मिशन शक्ति के ऊपर स्टेटमेंट आ गया, तीन स्टेटमेंट आ गया, पहला स्टेटमेंट आया कि ये एक तरह की अम्ब्रेला स्कीम है, हाँ है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं, ये तो OSC है, ये वुमेन हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, नारी अदालत है, आगे ना अम्ब्रेला स्कीम आ गई। दूसरा क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, हाँ बिल्कुल है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने किया है, बिल्कुल किया है, सवाल इस तरह बनते ना आपके आते हैं, ठीक है, फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड, इस बीच में 2021 से लेकर 25-26 फाइनेंस कमीशन क्या होता है भाई, वित्त आयोग क्या होता है, काम क्या है, नहीं, जो फाइनेंस कमीशन अपने हर 5 साल के लिए बनता है, मतलब पॉलिटिक्स बढ़ाऊंगा आपको मैं, रिकमेंडेशन देता है
कि जो पैसा कलेक्ट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसा कि जो कलेक्शन हुआ वो कैसे होगा, ठीक है, इसको डिटेल पढ़ेंगे। तो 15वां वाला जो है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मिशन शक्ति हैज टू सब स्कीम्स, कौन कौन सी, संबल और सामर्थ्य। ये देखो इन्हीं चार पांच में से आपका पूरा क्वेश्चन बन गया, देखो इसके अंदर, इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। न्यू कंपोनेंट ऑफ नारी अदालत, नारी अदालत के बारे में देखो, वुमेन कोर्ट, ठीक है, टू फैसिलिटेट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाज आल्सो नाउ। अब नारी अदालत के ऊपर आप थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो मजा आ जाएगा कि क्यों जरूरी है, क्या है, क्या खासियत है इसके अंदर। भाई नई इनोवेटिव चीज है नारी अदालत, हो सकता है पूरा यही पूछ ले कि नारी अदालत जो है वो किस स्कीम के अंदर में आ रही है, मिशन शक्ति के अंदर आ रही है या संबल प्रोग्राम के अंदर आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली बताऊँ आपको, इसको अलग से मैं इसका कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेंस फ्री किसी भी तरह से सवाल आपको मिल जाएगा बनने के लिए, ठीक है। तो नज़र रखिएगा इस चीज़ के ऊपर, नज़र रखिएगा अगले, क्योंकि औरतों से जुड़ी हुई कोई भी खबर, बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अजीतनाथ जैन टेम्पल, वन ऑफ द होली जैन तीर्थंकर्स एट तरंगा हिल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कहाँ पर है, गुजरात, ये है, ठीक है, हैज अप्रूव। अब देखो इसमें दो चीज़ आ गई, तरंगा हिल आ गई इसके अंदर, अरे यार इसमें तो बार बार वो चला गया था, ठीक है। तो आपका इसमें दो तीन चीज़ें आ गई हैं, एक तो तरंगा हिल्स अम्बुची अबू रोड वाले न्यू रेल, इसमें रेल लाइन लग रही है इसके अंदर, ठीक है, प्रोवाइड कनेक्टिविटी इंप्रूव मोबिलिटी एस्टिमेट कॉस्ट इतना, ठीक है। तो ये कहाँ पर है आपका, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात के अंदर है और जैन जैन धर्म से जुड़ा हुआ है ये, जैन, जैनों के बारे में पता ही है, जैन की फिलॉसफी क्या है, पूरा चलो है, ठीक है, अहिंसा है वो तो है, कैवल्य, कैवल्य का मतलब क्या होता है, सवाल पूछा गया पीसीएस के अंदर, सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है, कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है। जैसे कि बुद्धिज्म में बोधिसत्व या निर्वाण प्राप्त करना होता है, इसके अंदर कैवल्य प्राप्त करना होता है, ठीक है। और पहला तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव है, और 24वां कौन है, महावीर वर्धमान। इन विच स्टेट यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ गतिशक्ति यूनिवर्सिटी, किस राज्य में केंद्र कैबिनेट ने गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है, कहाँ है बताओ गतिशक्ति, है ये आपका ये आगे गुजरात में, ये भी गुजरात में है, गतिशक्ति विश्वविद्यालय, ब्लर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इसके अंदर बेसिकली जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी पे ट्रांसपोर्टेशन वाला जो चीज़ें हैं। तो अपग्रेडेशन ऑफ द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन NRTI टू गतिशक्ति यूनिवर्सिटी इन गुजरात, दिस यूनिवर्सिटी वुड सर्व एज ए हब फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग स्किल एंड रिसर्च इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, इसमें आपका ट्रेन हो गया, रोड हो गया, वाटरवेज हो गए, ठीक है, ये सब पूरा इसके ऊपर आएगा। यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर द गवर्नमेंट फ्लैगशिप PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हर राज्यों से हर सिटीज अगर आपस में कनेक्टेड रहेंगे और पोर्ट से बंदरगाह से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपस में हैं। अब वैसे इसके ऊपर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, GS 3 का मेंस का समझ लीजिए है ये, क्योंकि तो आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन, ये टॉपिक अपने आप में टॉपिक है ये। तो मान के चलना कि गतिशक्ति वाला जो है ना ये टॉपिक, विश्वविद्यालय हुआ ये, इसके ऊपर या तो ये हो सकता है कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय के क्या क्या रोल है, क्या करेगा, फीचर्स क्या हैं, सीलेंट फीचर्स क्या है, इसके ऊपर पूछ लेगा आपसे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, या कुछ कनेक्ट करके पूछ लेगा कि किस तरह से गतिशक्ति मिशन विश्वविद्यालय है वो ट्रांसपोर्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में हेल्प कर सकता है, क्या कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ बेटा ध्यान समझ सोच के रखना, भूलना नहीं कि मैं जो कि भूल जाओ यहाँ पे, क्योंकि फिर फायदा कुछ नहीं है। और जो चीज़ें अभी ऐसे नहीं आती तो वो आप घर जाके थोड़ा सा एक बार गूगल में टाइप करके भी देख लोगे ना तो सब पता लग जाएगा। इन विच सिटी स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस हैज ओपन इंडिया फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री, रॉकेट इंजन फैक्ट्री है ये, ठीक है, कहाँ पर बनाया गया भाई, तमिलनाडु, केरला, मणिपुर या चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु दोनों ऑप्शन आ गए, ठीक है।
तो ये हो गया चेन्नई में, तो रॉकेट मैं तो कमीशन बन गया, कमीशन वाले भी इस तरह के फालतू बातें करते ना। ठीक है चलिए, 3D प्रिंटिंग स्पेस टेक स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, स्टार्टअप का मतलब क्या, आजकल तो बहुत नाम सुना है स्टार्टअप, स्टार्टअप आपने, स्टार्टअप का मतलब क्या है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया। इससे पहले स्टार्टअप का मतलब होता है कि ऐसा बिजनेस पहले हुआ ना हो, ऐसा बिजनेस हुआ उसको स्टार्टअप कहते हैं। जैसे जोमेटो, तो पहले हम लोग खाना जाके होम डिलीवरी था, लेकिन मोबाइल के माध्यम से करने वाला स्विगी जोमेटो ये स्टार्टअप्स में आते हैं। मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस ना होकर नए तरह के बिजनेस हों। ठीक है, तो अब ये है स्टार्टअप है, नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस। क्या करता है, इंडिया फर्स्ट एवर फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन इन चेन्नई। अब इसमें पूछो बताता हूँ, चेन्नई के अंदर है, 3D प्रिंटिंग है। अब 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है भाई, सुना ना 3D प्रिंटिंग, कभी सुना है? अब बताओ आप में और यूपीएससी में कितना फर्क है, मैं इस बात से प्रूफ करने आ रहा हूं कि यूपीएससी 2013 में यह सवाल पूछा गया था, जब मैंने मेंस लिखा था इस पे, कि ये बताओ कि 3D प्रिंटिंग कैसे काम करता है। तो 9 साल का डिफरेंस तो अभी फिलहाल हाल फिलहाल में आप में और यूपीएससी के लेवल में है। ठीक है, कि 9 साल बाद भी आपको पता नहीं कि 3D प्रिंटिंग क्या होती है। ठीक है, नहीं बता 3D प्रिंटिंग क्या होती है। जैसे कि हम लोग किसी की चीज को प्रिंट करते हैं तो वो 2D में, दो डायमेंशन में होता है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अब आपने प्रिंट किया गहराई में भी, थर्ड डायमेंशन है कि गहराई हो गई। मतलब अब इस कोई प्रोडक्ट है तो अब उसमें क्या होता है कि आप एक पहले कंप्यूटर पे एक डायग्राम बनाते हो, आप अपने कोई भी जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है कंप्यूटर पे डिज़ाइन कर देते हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कर दोगे कोई। मतलब ये बड़ी खासियत है कि कितना भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम, अब देखो ये इंजन जैसी चीज़ें जो बन रही हैं, आपने वो डिज़ाइन किया, उसको आपने कंट्रोल पी वाला डाला, उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जुड़ा होता है तभी प्रिंट आउट निकल जाता है। इसके वजह से कि कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जुड़ा होगा, बट प्रिंटर अलग तरह से होता है, मटेरियल से होता है। मतलब एक बड़ा सा होगा, उसमें एक पर्टिकुलर किसी जो भी मटेरियल जो होगा, इसमें लिखा क्या, उसमें जिससे इसको बनाना, इससे बनेगा उस मटेरियल, मतलब एक ऐसा गीला गीला सा होगा और मशीन लगी होगी, और फिर लेयर दर लेयर करते करते ये चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। तो जो आप प्रिंट आउट निकालते हो 2D डायमेंशन में, ये पेपर के रूप में निकल आता है, ऐसा निकल आता है, तो ये जो बन के आएगा तो प्रोडक्ट ही बन के निकल आता है अपने आप में। तो पहले डिज़ाइन करना पड़ता है कंप्यूटर के अंदर, और फिर वो आपको, मतलब वो प्रिंट आउट के रूप में निकल के आएगा, पूरा प्रिंटेड होकर निकल के आएगा, पूरा वर्किंग में निकल के आता है वो उस, और किस मटेरियल से बनेगा, वो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। अब एक चीज़ बताऊँ आपको, हालत ये है 3D प्रिंटिंग की कि घर बनाए जा रहे हैं, चाइना ने घर बना दिए 3D प्रिंटिंग के माध्यम से। आप गूगल यूट्यूब पर डालना, उसने क्या किया, लिया उसने डिज़ाइन तैयार किया, मशीन तैयार की इस तरह से, मेन सब प्रिंटर का डिज़ाइन बनाना, क्योंकि आप बना दो डिज़ाइन, लेकिन प्रिंटर किस तरह काम करेगा वो देखना पड़ता है। तो फटाफट उसने घर ऐसे करके बनना शुरू हो गया फटाफट। ठीक है, फिर डॉक्टर्स ने 3D हार्ट बनाना शुरू कर दिया, दिल इंसानों वाला, क्योंकि ऐसे बनाना मुश्किल है, लेकिन आप कितना भी कॉम्प्लेक्स चीज़ जो होती है वो आप बना सकते हो उसके अंदर आप। ठीक है, तो ये अपने बहुत इनोवेटिव चीज़ है। अब रॉकेट इंजन बन रहे हैं बताओ, ठीक है, तो ये अपने आप में इनोवेटिव चीज़ है, ये सब ये चेन्नई में लग रहा है स्टार्टअप ने काम स्टार्ट किया। मॉन्टी नॉर्मन पास अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फेमस, कौन है ये फेमस थे, ये थे कंपोजर, कंपोजर क्या होता है, म्यूजिक वाला। तो ये जेम्स बॉन्ड के जो म्यूजिक नहीं है, फेमस म्यूजिक, डिंग 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 वाला म्यूजिक नहीं है, तो उन्होंने कंपोज किया था। ठीक है, जेम्स बॉन्ड फिल्म्स हैज पास अवे, नॉर्मल वाज द हाइट वाज द प्रोड्यूसर अल्बर्ट कर्बी। हाँ ठीक है, जेम्स बॉन्ड कहाँ का कैरेक्टर है ये, ब्रिटेन। ठीक है, क्या नंबर है जेम्स बॉन्ड का, 007 जेम्स बॉन्ड। अब तो नया, और अभी बहुत जीके का सवाल आया था कि जेम्स बॉन्ड किसकी रचयिता है, कौन राइटर है इसका, कौन किसने इसका किया था किताब, हाँ कौन है, तुमने जेम्स बॉन्ड किताब पढ़ी थी लेकिन राइटर का नाम भूल गए, नहीं, मतलब किसने लिखा था। अच्छा, पिक्चर देखी तो होंगी जेम्स बॉन्ड की, कोई पिक्चर नहीं देखी जेम्स बॉन्ड वाली, नहीं देखी, देखी अब तो पता ही तो नहीं, तो क्या फायदा बताओ, चलिए बताएंगे। विच कंपनी हैज पार्टनर,
which company has partnered with the Athletics Federation of India to enable the holistic growth of athletics in India? Athletics का मतलब क्या होता है? दौड़ और भाग के साथ, ठीक है? तो किस कंपनी ने पार्टनर किया एथलेटिक फेडरेशन के साथ, जिससे कि इंडिया की, तो अभी ना हाल फिलहाल में एक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप खत्म हुई है, कल ही खत्म हुई है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? सवाल तो यही है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? वहां पर कॉमनवेल्थ हुआ था, इंग्लैंड में हो रही है सर, वो कॉमनवेल्थ है, ओरेगन अमेरिका, यूएसए अमेरिका, ठीक है? हर दो साल में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होती है, चार साल में ओलंपिक होता है, चार साल में कॉमनवेल्थ होगा, लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप दो साल में होती है एक बार, ठीक है? और इसमें इंडिया ने एक पदक जीता है, किसने जीता है? किसमें? भाला फेंक में, चलो अच्छी बात है, लेकिन सवाल और थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, ये हाँ ठीक है, लेकिन ये सवाल नहीं था, सवाल ये था कि ये दूसरा इंडियन है जिसने वर्ल्ड एथलेटिक्स में जीता, पहला कौन था इंडियन? कौन महिला, कौन सी महिला जिसने की पदक जीता था? ऑप्शन यार लाइफ में, जिंदगी में देयर इज नो ऑप्शन, ऑप्शन के चक्कर में फंसोगे तो बस भटकते रहोगे जिंदगी में, कभी ऑप्शन देखना। वैसे मैं कहता हूँ इनसिक्योरिटी इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी। चल मैं तो आंसर बता देता हूँ ना तुम्हें, अंजू बेबी जॉर्ज क्या करती थी, सही बता दो मुझे, चलो मैंने नाम बता दिया तुम्हें, किस किस स्पोर्ट्स में थे? हैं, अंजू बेबी जॉर्ज, लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, ठीक है? उसमें उन्होंने कांस्य पदक यानी कि थर्ड प्राइज जीता था उन्होंने, अंजू बेबी जॉर्ज, 2004 में जब हम लड़के हुआ करते थे। हाँ, पाँच साल, ठीक है, तो बच्चे थे हम, लड़के थे। अच्छा ठीक है, हाँ तो यहाँ पर ये आया कि किसने कोलैब किया है, तो कोलैब किया रिलायंस वालों ने किया गया, ठीक है? हाँ अच्छा ना भाई, देखो अब इंडिया में जो स्पोर्ट्स आप देखो ना हाल फिलहाल में, स्पोर्ट्स का जो उधार देखा है आपने कि ओलंपिक में मेडल जीतना शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो भैया पैसा इन्वेस्ट होना है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी अगर देखोगे, अगर आप फॉलो करते तो होगा नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी इंडियंस गए, इसमें से 5-6 इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने फाइनल्स में जगह बनाई है। मतलब आपका नीरज चोपड़ा ने तो खैर मेडल जीत लिया, लेकिन नीरज चोपड़ा के साथ तो फाइनल्स में मतलब होता है कि पहले तो आप इन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना जरूरी होता है। मतलब पहले तो क्वालिफाई करो, एक बेंच मार्क होगा कि आप अपने टूर्नामेंट के अंदर इतना तो कम से कम लेकर आओ, प्री समझ लो प्री, ठीक है? उसके बाद अब आप वहाँ खेलने जाते हो, वहाँ पर मान लो 50 लोग 30 लोग हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब 30 में से पहला होता है कि प्री राउंड होगा, प्री निकालना कि 30 में से कम टॉप 10 या 12 आएंगे, उसे कहते हैं फाइनल्स कहते हैं, यानी हमारा मेंस, ठीक है? तो आप दुनिया के सबसे खास 10-12 एथलीट में अपने फील्ड में होना जरूरी है आपका, तो फाइनल्स में जगह बनाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इंडिया कई एथलीट्स ने इस बार फाइनल में जगह बनाई, जैसे कि अगर देखा जाए नीरज चोपड़ा के साथ में एक और बंदा था रोहित यादव, वो भी फाइनल्स पहली बार पहुंचा, ये भी अपने मतलब टॉप 10 लोगों में है, उसकी 10th रैंक आई है, नीरज चोपड़ा सेकंड आया तो वो 10th आया है, बहुत बड़ी बात है। एक महिला भी है जो सेकंड टाइम वर्ल्ड जेवलिन में आई है, पिछली बार भी वो फाइनल्स में आ गई थी, अनु रानी, ठीक है? फिर आपका एक एथलीट था 300 स्टीपल चेस के अंदर, संबल नाम था उसका, वो भी पहुंचा फाइनल्स के अंदर पहुंचा है, ठीक है? आपका लॉन्ग जंप वाला श्री शंकर, वो फाइनल से पहुंचा, ट्रिपल जंप वाला, ट्रिपल जंप क्या होता है? तीन बार कूदने वाला, लॉन्ग जंप तो कूद गया ऐसे करके, एक होता है एक बार कूदा, फिर एक टाइम से कूदा, फिर कूदना, ट्रिपल तीन बार आप जंप करते हो, ठीक है? उसमें पॉल थे, वो पहुंचे फाइनल्स में, तो 7-8 लोग पहुंचे फाइनल्स के अंदर। तो ये शो कर रहा है कि जो ये कोलैब हो रहा है, जो ये पैसा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो उससे रिजल्ट भी दिख रहा है। देखिए एक चीज बताऊं आपको, एक अच्छी डिबेट शुरू होती है इनफैक्ट, कि टैलेंट और ट्रेनिंग में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट, ये बात मैं सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूं आपसे, भी ये समझना इस बात को, लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं हर चीज में, एक तरफ है टैलेंट, एक तरफ है ट्रेनिंग, तो क्या लगता है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? क्योंकि टैलेंट शुरुआत में तो आपको एक
दे देगा कि हाँ भाई चलो ठीक है ये लड़का टैलेंटेड है, लेकिन उस टैलेंट का पूरा सही इस्तेमाल हो जाना कि वो अपना मैक्सिमम दे दे, वो ट्रेनिंग के पर्पस होगा, पर्पस से ही हो पाएगा। सिविल सर्विसेज में यही है कि जैसे बचपन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे ज़्यादा नंबर ले आते हैं, 90% 95% 99%, क्या वो सब क्या यूपीएससी क्रैक कर देते हैं? नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी ऐसे बच्चे क्रैक करते हैं जो बहुत बहुत ही ऑर्डनरी होते हैं, बस अचानक से उनको कुछ लगन लग जाती है, वो 4-5 साल जो होता है जम के पढ़ लेते हैं, और जो पढ़ते हैं वो 4-5 साल क्रैक कर लेते हैं आईएएस बन जाते हैं। कितने आईएएस अफसर हैं जो जिन्होंने अपना, अभी पिछले हाल फिलहाल में एक आईएएस अफसर थे गुजरात कैडर के, उन्होंने ट्विटर पे अपनी मार्कशीट की थी कि 33%, 34%, 35%, कहता कि मेरी मार्कशीट देखकर मेरे टीचर बोल रहे कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। लोग समझ ही नहीं पाते, लोग सोचते हैं कि यार हम तो आईएएस बन ही सकते, पीसीएस बन ही सकते हैं, या वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। अरे कुछ नहीं होता, आप लगो, 2 साल लगाओ, 3 साल लगाओ, देखो सिलेक्शन होता कि नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या इंडियन ने पैसा लगाना शुरू किया स्पोर्ट्स के अंदर तो रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, ठीक है। फिजियो चाहिए होता है, मसल्स ट्रेनिंग, डाइटिशियन, ठीक है, हर एक बायोमैकेनिक्स, शरीर कैसे काम करता है आपका। एक आदमी के पीछे 10-12 लोगों की टीम होती है तब जाके वो एक मेडल आता है। जूते कैसे होंगे, खाना क्या खाएगा, एक उसका सेक्रेटरी होगा कि अगर वो 50,000 लोगों के बीच में वो परफॉर्म करना है तो परफॉर्म नहीं कर पाता है, घबरा जाते हैं लोग, तो वो चीज़ एंजाइटी ना हो उसको, 10 लोग लगते हैं तब जाके एक मेडल मिलता है। पहले क्या था, इंडिया में गरीबी थी, अब आदमी चले गए अपना ही जूता लेकर। आप पुराने जमाने में देखोगे लोगों के पास, हिंदुस्तान के पास जूते नहीं होते। जब 1948 में पहला गोल्ड मेडल जीता हॉकी के अंदर तो बिना जूते के खेला था। आप पिक्चर देखना गोल्ड मूवी अक्षय कुमार वाली, उसमें सीन है, उसमें नंगे पैर खेलते हैं वो लोग, जूता ही नहीं है, चलो वहाँ चल गया। लेकिन क्या हुआ, आपको चलो शुरुआत कर ली, लेकिन बाद में क्या हुआ, 20-30 साल के बीच में बाकी लोगों ने इन्वेस्ट किया, और बाकी लोग भी जब इन्वेस्ट किया तो जीतना शुरू हो गए। चाइना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, चाइना 1950 में खेलता, उसके बाद 20-30 साल कुछ नहीं खेला, पता कोई है चाइना के बारे में? चाइना ने 1952 में पार्टिसिपेट किया एशियाड में, एशिया कप, एशियन गेम्स में, परफॉर्मेंस बहुत ऑर्डनरी, जैसे हिंदुस्तान वैसे चाइना भी था उस समय। फिर चाइना ने क्या किया, स्ट्रेटजी बनाई, उन्होंने 20-25 साल किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, कहीं नहीं गए, सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपने लोकल लेवल पर अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया, अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाई, अपना बच्चों को तैयार किया। और जब 20-25 साल में बच्चे तैयार हो गए, जैसे ही भी वो लॉन्च अपने उन्होंने किया ओलंपिक्स में, देखो धकाधक मेडल जीतना शुरू कर दिया। तो 20-30 सालों ने मेहनत की, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, टीचर सब तैयार किए, कोच तैयार किए। तो लोग कहते हैं कि अगर आपको ओलंपिक मेडल जीतना है तो आज जो 5-10 साल का बच्चा होगा उस पर मेहनत करो, तब जाके वो 12-15 साल के बाद वो रिजल्ट देना शुरू कर देगा। सिविल सर्विसेज में यही है, अगर देखा जाए तो 15 साल का बच्चा कोई अगर आज है, अगर उस पर अगर मेहनत करना शुरू कर दें तो 4-5 साल के तब वो मेहनत करना शुरू कर देगा। यार क्या है, कौन से रॉकेट साइंस है सब चीज़ों के अंदर? जीवन बहुत सिंपल है, सबसे बड़ा फैक्टर टाइम का है। टाइम आपको, एक 25 साल के एथलीट को अगर आप कितना भी पैसा लगा दोगे तो क्या परफॉर्म कर पाएगा क्या वो? क्योंकि शरीर खत्म हो चुका है उसका, वो नहीं लायक बच्चा। लेकिन 10 साल के बच्चे पर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो रिजल्ट दे देगा। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर एंड विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द 17th कैंपस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन पंचकुला। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादा वो नहीं, 17वां कैंपस बनाया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT का पंचकुला में। तो साथ में कौन थे, पीयूष गोयल साहब थे, है ना, तो उन्होंने, तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने उसमें पंचकुला बनाया है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सुधाकर दलेला has been appointed as the next ambassador of India to his country. तो ये भूटान में इन्होंने सुधाकर दलेला जो हैं एम्बेसडर बने हैं। तो एम्बेसडर क्या होता है? राजदूत, ठीक है, यानी कि इंडिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा एक तरह का। अब एक सवाल पॉलिटी में आता है इससे जुड़ा हुआ, जब पूछा जाता है राष्ट्रपति और गवर्नर की पावर्स में डिफरेंस क्या है, किस तरह से राष्ट्रपति गवर्नर से डिफरेंट है, राज्यपाल से डिफरेंट है। तो राष्ट्रपति के पास अपॉइंट करने का है कि वो किसी को भी राजदूत को अपॉइंट कर सकता है, गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो इनको अपॉइंट किसने किया होगा, हमारे राष्ट्रपति साहब ने किया होगा, ठीक है। भूटान की बात संबंध, भूटान के ऊपर सवाल आता है, एक बड़ा फेमस है
एक होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो वो कौन सा कंट्री है जो टॉप करता है उसने, एक सॉरी जीडीपी, एक हमारे जो बाकी कंट्रीज होती हैं वो जीडीपी पे अपना कैलकुलेशन करती है कि भाई कितना पैसा कमाया कितना। भूटान ऐसा है, वो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स पे उस पर काम करता है, प्रोडक्ट पर करता है, मतलब कि कितने खुश हुए हैं, कितने खुश हैं, मतलब पैसा कितना कमाया इससे मैटर नहीं करता, पूरी दुनिया जीडीपी पे करती है, वो हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान देती है कि कितना हैप्पीनेस रही है। एकमात्र ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी या सरकार जीडीपी पे ना करके हैप्पीनेस के ऊपर देखती है। ये सवाल कई पूछा जाता है कि हैप्पीनेस वाला कौन सा, तो वो है भूटान। उसको देखा देखी मध्य प्रदेश ने एक बार एक अपने मिनिस्ट्री लॉन्च की बनाई थी कि जो हैप्पीनेस दिखेगा कितने खुश रहते हैं। हैप्पीनेस छोटे कंट्री में रहने का अलग मजा है, छोटे जगह पर रहने में अगर पैसा वैसा आपके पास हो और रिटायरमेंट का हो तो भूटान जाकर रहना मज़ेदार है, पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा और मस्त जीवन कटेगा। अमेरिका जाना बेकार है, वहाँ पर तो सरदर्द है। विच इंडियन कैप्टन हैज फेलिसिटेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि किस भारतीय कप्तान को, क्रिकेट वाले को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है? नहीं जी, सौरभ गांगुली ही। सौरभ गांगुली ने को, अरे नहीं तो गए तो होते हर जगह जाते हैं लेकिन उनको किया था, ठीक है चलिए। विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप एट क्या चैंगोन इन साउथ कोरिया? किस कंट्री ने एक शूटिंग कॉम्पिटिशन हुआ वर्ल्ड कप, शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ, साउथ कोरिया में हुआ, किसने टॉप किया था, सबसे ज्यादा मेडल किसने देते हैं, तो वो था इंडिया। इंडिया वाले शूटिंग में अच्छा करते हैं, क्यों करते हैं अच्छा, सवाल ये बनता है इंडिया वाले शूटिंग्स में अच्छा क्यों करते हैं? नहीं मैं शूटिंग में मैं तीरंदाजी की बात नहीं कर रहा, मैं शूटिंग मैं निशानेबाजी की बात कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आपको हर दुनिया में अगर देखोगे तो हर नस्ल के लोग हैं, ठीक है, और ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ खास दिया हुआ है, किसी को ज़्यादा पावर दी हुई है, ताकत, अगर काले लोग जो होते हैं अफ्रीकन्स हैं उनके पास पावर ज़्यादा है, ठीक है। उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा आपने, तो उसका आप देखोगे तो उसकी जो चेस्ट है वो बाकी इंसान से 11% ज़्यादा है, यानी उसमें ज़्यादा एयर पंप हो सकती है, ठीक है। अब इंडियंस या एशियंस को क्या होगा, क्योंकि हमारे अगर हम देखें तो अगर पावर की हम बात करते हैं तो पावर के मामले में एशियंस जो हैं वो अफ्रीकन या यूरोपियन से कमजोर पड़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या किया जाए ऐसे में, तो चाइना ने सबसे पहली चीज़ ये चाइना ने सिखाई थी कि जब आपके पास कुछ खासियत होगी ना, अपनी खासियत पहचानी है, तो ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से अच्छा है जहाँ पर ताकत में आप उनसे भिड़ो और ताकत में कमजोर रह जाओ। उन्होंने ऐसे क्या कहा, जहाँ पर आई हैंड कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करें, आई हैंड कोऑर्डिनेशन वाले स्पोर्ट्स, आंख और हाथ के जो स्पोर्ट्स होते हैं। शूटिंग क्या होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कि आप कुछ देखें हाथ वैसा काम करें, उसमें ताकत नहीं चाहिए होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। आप चाइना को देखोगे, चाइना जो मेडल जीतती है और खासकर इंडिया भी अब जो जीतना शुरू हुआ है, इंडिया को समझ में आ गया तो इंडिया ने इन्वेस्ट किया ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर जहाँ पर आई हैंड कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करते हैं, इसलिए इंडिया की क्रिकेट टीम अच्छी है क्योंकि वो फुटबॉल नहीं खेल पाते हैं, उसमें ताकत चाहिए होता है, लेकिन क्रिकेट का जो गेम है वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन चलता है। शूटिंग अच्छा है, तीरंदाजी अच्छा है, कुश्ती में आप बड़ी, कुश्ती में दो चीज़ें, जो कम वेट के कुश्ती हैं यानी कि 70 किलो 75 किलो तक, वहाँ तक इंडिया वाले बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि उस वेट ग्रुप में वो बाकी लोगों से बराबर ताकत में आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वेट ग्रुप बढ़ता जाता है 80 90 100 इस बार वहाँ पर इंडिया का जो बंदा होता है, मतलब अगर 100 किलो का बंदा इंडिया का होगा और अमेरिकन का 100 किलो का बंदा होगा, ताकत कम पड़ जाएगा। इसीलिए जब भी देखना इंडिया मेडल जीतती है वो कम कैटेगरी वाले, कम वेट कैटेगरी वाले में जीतती है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, आई हैंड कोऑर्डिनेशन में काम करना शुरू कर दिया, इसलिए देखो शूटिंग पिछले 20 साल में लगातार मेडल जीत रही है दुनिया में। इसलिए अपनी शक्ति पहचानी है, ताकत पहचानी, कहने का मतलब ये है अगर आप अपनी ताकत को पहचान लोगे तो कहीं पर भी आप कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि किसी को पढ़ना बहुत ज़्यादा पढ़ सकता है, कोई बहुत ज़्यादा समझ सकता है, कोई बहुत ज़्यादा लिख सकता है, आप में भी कुछ तो खासियत होगी ना, कुछ तो खासियत होगी, उसको ढूंढो, वो एक चीज़ को पकड़ के अपनी तैयारी उसके इर्द गिर्द करना शुरू कर दो। अब अपने आप को ढूंढना ही तो सबसे बड़ी मुश्किल काम है, अपने आप को ढूंढना।
काश गूगल इतनी इसमें हेल्प कर पाता। नेम द बांग्लादेश पेसर हु वाज सस्पेंडेड फॉर अ डोपिंग वायलेशन। डोपिंग का मतलब क्या होता है? शक्ति बढ़ाने वाली जो दवाइयां होती हैं, ठीक है। और इस पर कौन सी एजेंसी देखती है इस चीज को? ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मैं ये सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन सवाल जो पूछेगा पूछा गया है मैं उस पर बात करूंगा। आपने नाम सुना वाडा का? वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग, अब एक बार एसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। अब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन जो है, इसका काम क्या होता है कि दुनिया भर में जो एथलीट हैं वो कोई प्रतिबंधित दवाई तो नहीं ले रहे हैं। इसने एक लिस्ट बनाई होती है दवाइयों की, जो कि लेने से ताकत आ जाती है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे कि आपको अनड्यू एडवांटेज मिल सकता है वो ना रहे। तो ये आपका हमेशा वाडा वाले चक्कर रहते हैं। आपका स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, तो उनका डोपिंग वो टेस्ट, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, लगातार होता रहता है, लगातार होता रहता है और रैंडमली होता रहता है। रैंडमली बताएंगे नहीं, किसी को पकड़ लेंगे, जैसे खेल गया है पकड़ लिया किसी को, हाँ भाई चल भाई, लगा कि कुछ ये इसकी मतलब परफॉर्मेंस से थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, अचानक से कैसे दिखा रहा है एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस। जैसे आपके नंबर जो हैं, मान लो 100 में से 70 आ रहे हैं, लगातार 70-70 आ रहे हैं, अचानक से 90 आना शुरू हो जाए, तो कुछ तो किया है ना भाई, कुछ तो किया ही होगा ना, तो पकड़ के पूछा जाता है। तो लेकिन सवाल ये भी नहीं पूछा गया था, ये तो प्री वाला सवाल हो गया, मैं भी और आ रहा हूँ आगे। मेंस में जो पूछा गया है, नाडा, आई थिंक नाडा ही तो है इंडिया में, नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन, ये इसका जो इंडिया में जो वो है, ठीक है। सवाल ये पूछा गया था कि इन दोनों के में डिफरेंस क्या है, सेलेंट फीचर्स, मैंने कि इसकी कुछ पॉलिसी होंगी, इसकी कुछ पॉलिसी होगी, तो इन दोनों की पॉलिसी के डिफरेंस पूछा गया था मेंस के अंदर। समझ में आ गया? इसलिए कहते हैं पेपर पढ़ो। तीन दुनिया नार्कोटिक्स तो ड्रग्स हो गया, वो तो अफीम गांजा ये सब हो गया, ये होते हैं प्रतिबंधित दवाइयां, मतलब आपने इंजेक्शन लगा लिया और तेज दौड़ना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। तो ये मोहम्मद शहीदुल इस्लाम जो है, ये ना शहीदुल इस्लाम, शहीदुल इस्लाम ये जो है, ठीक है, वो सस्पेंड किया गया, ठीक है, एंटी डोपिंग कोड में उनको 10 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल हैज अलॉटेड ओवर 7.1 करोड़ इक्विटी शेयर्स टू विच कंपनी फॉर रुपीज 734 अपीस, यानी कि एक शेयर जो है 734 का, किसने भारतीय एयरटेल को अपने शेयर्स इक्विटी दी है, किस ऑपरेटर ने दी है? तो वो है आपका वही ऑप्शन नहीं है, तो गूगल को दिया है, तो भारतीय एयरटेल ने गूगल को अपने शेयर्स दिए हैं। चलिए खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते हैं इसके अंदर। वैसे गूगल ने जियो के अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ है, 8-9% दिया हुआ है, ठीक है, और भारतीय एयरटेल ने भी कर दिया उसने, एक तरह से कोलैबोरेशन हो रहा है गूगल टेलीकॉम में, क्योंकि टेलीकॉम में जाने का मतलब है कि अगर जियो के साथ कॉलैब हो जाएगा, एयरटेल के साथ कॉलैब मतलब हो गया, शेयर्स में शेयर होल्डर बन गए, तो गूगल अपने प्रोडक्ट्स को इन टेलीकॉम ऑपरेटर के माध्यम से ज़्यादा बेच सकता है। अब जैसे कि जियो, हम लोग जियो यूज़र हैं, ठीक है, तो गूगल का कुछ प्रोडक्ट होगा तो ऐसी पॉलिसी कर सकता है कि होता है जियो कुछ ऐसे फीचर लेकर आए जो गूगल को हेल्प कर रहा हो। गूगल का सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है कि सर्च, गूगल 500 प्रोडक्ट्स हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट हमें बेच दे वो, इसीलिए कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। तुमको पता है कि इंटरनेट हिंदुस्तान में दो ही लोग हैं बड़े मेन प्लेयर हैं, जियो और एयरटेल, तो दोनों के अंदर उसने अपना शेयर होल्डर बन गया, तो अपने प्रोडक्ट्स को वो धीरे धीरे पुश करना शुरू कर देगा। और गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जेरूसलम डिक्लेरेशन व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट बिटवीन द इजराइल एंड व्हिच कंट्री। जेरूसलम डिक्लेरेशन जो खबरों में रहा, इसराइल और किस देश के बीच में एक रणनीतिक साझेदारी है। जेरूसलम कहां पर है पता है? जेरूसलम कहां पर? इसराइल के अंदर है। और खास क्यों जेरूसलम? जेरूसलम एक मात्र ऐसी जगह है जहां पर तीन धर्म उसको बहुत ही पवित्र मानते हैं, ईसाई, ठीक है, मुसलमान, ठीक है, और यहूदी।
तीन लोगों जो हैं उसको अपना पवित्र स्थल मानते हैं और बहुत लड़ाई होती है इसके जेरूसलम को लेकर। तो आजकल फिलहाल जेरूसलम जो है वो इसराइल ने कब्जे में ले रखा अपना, ठीक है, हैं? इसका बी आंसर है, वो है यूएसए के साथ किया उन्होंने, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है इसके अंदर। अभी जेरूसलम के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी जब मैं इसराइल के बारे में पढ़ाऊंगा आपको क्या क्यों है, ठीक है, लड़ाई इसराइल का ओरिजिन क्यों हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, क्या हुआ, वो सब लंबी कहानी है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च एन ई एफ आई आर सर्विसेज एंड अ पुलिस ऐप, ई एफ आई आर, ये अभी इंपॉर्टेंट है, एक ऐप लॉन्च किया है ई एफ आई आर, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफ आई आर, किसने किया है, उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है, तो पुष्कर धानी साहब जो है उन्होंने ये लॉन्च किया हुआ। तो ये ऐसे ऐप वाले सवाल जो है प्री में आ जाते हैं आपको, ऐप ऐप जो चल रहे होंगे तो कर लेना। आजकल ना ये हिमाचल प्रदेश वगैरह और वो अच्छा कर रहा है परफॉर्म, है ना, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक फर्स्ट इन द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क एन आई आर एफ 2022, राष्ट्रीय संस्था, हाँ, रैंकिंग किस संस्था को फर्स्ट प्राइज दिया गया है, आई टी मद्रास हो ना, वही है आई टी मद्रास, पिछले 3-4 साल से ना लगातार टॉप कर रहा है आई टी मद्रास, ठीक है। अब देखो कहने की बात, आई टी मद्रास का नाम चेन्नई बन गया लेकिन आई टी मद्रास ही अभी भी है, देख रहे हैं, मद्रास का नाम खत्म हो चुका है वहां पर, इसने आई टी, इसने अपने आप नाम चेंज नहीं किया, आई टी चेन्नई नहीं बना। जागृति विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द मैस्कॉट रिलेटेड टू द विच फील्ड, मैस्कॉट का मतलब क्या होता है, शुभांकर सिंबल बनते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में, होता नहीं है, हाँ ठीक है। तो मैस्कॉट जागृति किसका है, मैस्कॉट बना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना इस बात का, जागृति मतलब जागो, जागो ग्राहक जागो, तो कंज्यूमर अवेयरनेस वाले से हुआ है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मैं कहीं लखनऊ से बाहर किसी इंटीरियर इलाके में गया था, तो वहाँ मैंने कोल्ड ड्रिंक मांगी, ठीक है, उसने कहा कि 10 रुपये की कोल्ड ड्रिंक जो है उसने मुझे 12 रुपये देने लगा, मैं पी तो ली पहले कोल्ड ड्रिंक, मैं कितने रुपये हो गए, फिर 12 रुपये, मैंने कहा 10 तो लिखे हैं यार, 12 कहाँ मांग रहा, कि 2 रुपये ठंडा करने के, तो मैंने कहा ना भाई, तो बात 2 रुपये की नहीं है, बात MRP के ऊपर नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने खूब लड़ाई हुई, खूब अच्छी खासी हुई, लेकिन मतलब दिक्कत क्या है कि गांव में जाओगे तो वो लोग ठंडा करने के पैसे अलग से चार्ज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अच्छा आप लोग इसे कभी आमने सामने हुआ इससे चीज से, असल में क्या ना वो जो ऐसा कोल्ड ड्रिंक पैसा जाता है नहीं, कोल्ड ड्रिंक बेचने में बहुत प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब अगर आप 20 कोल्ड ड्रिंक बेचोगे तो जाकर एक कोल्ड ड्रिंक का पैसा फ्री मिलता है आपको, ठीक है। तो अमूमन जो कोल्ड ड्रिंक रखी जाती है तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिस भले ही मार्जिन कम है लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक पीने के माध्यम बहाने लोग चिप्स भी खा लेंगे, पेटीज भी खा लेंगे, समोसे भी खा लेंगे, तो वो एक इस वो उसके लिए सही होता है। लेकिन जो बंदा सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है उसके लिए दिक्कत है, उसके लिए क्या होता है कि वो उसको फ्रिज में वो लाइट का खर्चा निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं इसलिए। लेकिन मैं खूब लड़ा रहा, मैंने कहा ना जी मैं दूंगा 10 ही रुपये, मैंने कहा मैं कंज्यूमर फोरम में कर दूंगा फोन अभी, तब वो जाके शांत हुआ था, वो नहीं दिए मैंने, है ना, ठीक है। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वॉन द सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप टाइटल, अब जो मैंने आपको बताया कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन का जो है, तो बैडमिंटन भी उसी तरह का गेम है जहां पर आपके आंख और हाथ का, इसीलिए इंडिया वाले बैडमिंटन में अच्छा परफॉर्म करते हैं और पीवी सिंधु के अंदर इन्होंने हाल फिलहाल में जीता हुआ है, ठीक है। सिंगापुर ओपन, सिंगापुर ओपन कहाँ हुआ था, सिंगापुर में हुआ, ठीक है, सिंगापुर ओपन है, सिंगापुर में होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सबमरीन विच वाज रिसेंटली डीकमिशन्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी, उस पनडुब्बी का नाम बताइए जिसने हाल फिलहाल में भारतीय नौसेना से सेवामुक्त कर दिया गया, सेवामुक्त करने वाला उसको अंग्रेजी में डीकमिशन बोलते हैं, जब किसी चीज को हम लोग सेवा में लाते हैं आर्मी वगैरह में तो कमीशन करना होता है, ठीक है, वो तो क्या और हटाना होता है, डीकमिशन करना सेवन मतलब भैया रिटायरमेंट टाटा ओके बाबा है, किस कौन सा है, INS सिंधु ध्वज, ठीक है, ये है क्या कह रहे हैं सर, इसमें क्या होता है, ठीक है ना, रुको पहले समझो, पहले ये समझ में आ गया अब कौन सा ये है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मुझे पहले ये बताओ कि पनडुब्बी होती क्या है, पानी में चलती है, पानी के अंदर चलती है, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि
पनडुब्बी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफेंस के अंदर, सिक्योरिटी पर्पस के अंदर। मैं यहां से बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान लगा रहा टाइम है कि नहीं है। चलो है वो वर्ड क्या रहा, मैं वर्ड दिमाग से उतर गया। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, एक क्या चिड़िया का नाम है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मान लो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, सुनो सुनो सुनो, हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, दोनों का परमाणु बम है, पाकिस्तान इधर से परमाणु फेंका, हिंदुस्तान इधर से परमाणु बम फेंका और दोनों जाकर गिर गए दम, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्ट्राइक, दोनों में हो गया। अब कुछ इलाके बच गए पाकिस्तान के अंदर, अब इंडिया वाले किस तरह से दोबारा अटैक कर सकते हैं उनके ऊपर, सेकंड स्ट्राइक, इसे कहते हैं सेकंड स्ट्राइक। अब उसके लिए दो तीन चीजें होती हैं कि आप ऐसे जगह से वार करो जो उनकी रेंज से बाहर जा रहा हो, पाकिस्तान की रेंज से बाहर जा रहा हो, ठीक है। अब उसमें यह हो सकता है कि आप अपनी ज्योग्राफी का इस्तेमाल करो कि आप, आपका देश इतना बड़ा है कि उसकी मिसाइल पहुंच ही ना पाए, कि अगर एक बार आप बम गिर गया उसके बाद भी आप अटैक कर पाओ, कहने का मतलब ये होता है, ठीक है, एक मुक्का पड़ने के बाद दोबारा मुक्का मार सको, यानी कहानी है। तो या तो आपकी ज्योग्राफी इतनी बड़ी हो कि उनके जो जो मिसाइल है वो ना पहुंच पाए आपके पास, और आप उसके बावजूद भी आप वहां से मिसाइल को छोड़ सको, एक तो ये हो गया। दूसरा कहता है कि आपके पास सबमरीन होने चाहिए, सबमरीन जो कहीं पर भी जाके, पनडुब्बी कहीं भी जाकर, कितनी भी दूर जाकर वहां से अटैक कर सके। और सबमरीन भी दो तरह की होती है, एक होती न्यूक्लियर सबमरीन और एक होती कन्वेंशनल यानी डीजल सबमरीन। अब डीजल सबमरीन क्या होती है, उसको हर 24 घंटे में एक बार छत पे आना पड़ता है पेट्रोल भराने के लिए, डीजल भराने के लिए। तो इसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बहुत दूर तक नहीं जा पाती है या बहुत देर तक अंदर नहीं रह पाती है, आवाज़ ज़्यादा करती है, थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा, डीजल है ना, डीजल गाड़ी देखी होगी आपने, ज़्यादा आवाज़ करती है तो डीजल। लेकिन जो न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी कि जो सबमरीन जिसके जिसके अंदर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर यूरेनियम के माध्यम से चल रहा है, वो कितने भी दिन कहीं भी छुप के बैठ सकती है। मान लो जैसे कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, मान लो अटैक दोनों में हो रहा है और ये कहीं छुप के बैठा हुआ यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हो जाएगा इनको ऑर्डर मिला इन्होंने जाके यहाँ पर अटैक कर दिया, इतनी दूर से आके ये छुपा बैठा हुआ है, महीना भर छुपा रहे, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि दोबारा कर सकें, उसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास ऐसा सबमरीन हो जो न्यूक्लियर सबमरीन हो, ठीक है, जो कि परमाणु हथियार को छोड़ने की कैपेबिलिटी रखती हो। इंडिया इसमें वो कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। न्यूक्लियर सबमरीन इतना आसान चीज नहीं है बनाना, अभी भी इंडिया में जो सबमरीन बन रही है वो आपका प्रोजेक्ट 75 नाम सुना है आपने, इस नाम के तहत बनती है, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, प्रोजेक्ट 75i, ठीक है, सबमरीन बनाई जा रही है। और इससे इंडिया जो है फ्रांस वगैरह से ज़्यादा खास कर ले रहा है, स्कॉर्पियन सबमरीन, कई 5-6 सबमरीन जो है इंडिया ने, उन्होंने इंडिया ने फ्रांस से ली है, फ्रांस उनको ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जाना, तो अब इसमें ये सबमरीन जो है ये डीजल वाली सबमरीन होगी जो लगभग 35 साल की सेवा के बाद रिटायर हो रही है। अब इसका या तो इसको जंग में बना देंगे तोड़ के इसको कर लेंगे, या इसको ट्रेनिंग पर्पस इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, म्यूजियम बना देते हैं, ठीक है। सबमरीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबमरीन से जुड़ा हुआ एक सवाल ये आता है कि सबमरीन वाले देखते, ये जो है ना ये खासकर जो जो देख रहे हो अभी है, ये क्या चीज है, यानी कि अगर समुद्र के अंदर से देखना होगा तो इसको क्या बोलते हैं, ये समुद्र के अंदर सबमरीन है लेकिन बाहर किस तरह देख पाएगी, तो क्या बोलते हैं इसको, हाँ ठीक है ठीक है, वही 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 वही, ठीक है, यहाँ पर वो साइंस पढ़ाओ, एक लाइट आ गई, पेरिस्कोप बोलते हैं, पेरिस्कोप भी होता है ना ये चीज, पेरिस्कोप ना, तो वही पेरिस्कोप वाला है ये, तो ये पेरिस्कोप है ये तरह का ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा मेन सवाल समझाया है, क्वेश्चन आपका प्री वाला तो ये हो गया सिंधु ध्वज, लेकिन मैं आपको इसको आगे लेके गया हूं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी GS2 का टॉपिक, ठीक है। थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होगी, सेटेलाइट से फेंक दो बम एडवांस, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बहुत बनते हैं आपका, ध्यान रखना इस बात का।
विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द भारत रंग महोत्सव 2022? कौन सा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वही होगा, ये सब ड्रामा वही कर रहे हैं, रंग महोत्सव कर रहे हैं तो नेशनल स्कूल ऑफ एनएसडी है, ठीक है, सारे एक्टर वैक्टर वैसे निकल गए हमारे। चलिए, आई थिंक आप द 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज कंडक्टेड टू चूज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15वां हमारा राष्ट्रपति, यहाँ पर गलत हो गया, ये BBSC होगा, ठीक है, 15वां राष्ट्रपति जो है, पहले यही बहुत इंपॉर्टेंट है, 15वीं है, ठीक है। अच्छा, कौन लोग डाल पाते हैं वोट राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? इलेक्ट्रॉल कॉलेज क्या है? पढ़ाया मैं तुमको, वो ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट नॉमिनेटेड, समझ में आ गया ना, ये शब्द है, तो उन लोगों ने वोट डाला होगा, वो दिल्ली पांडिचेरी आ गया, विधानसभा है ना उसके, उनके पास, ठीक है, ये दिल्ली और पांडिचेरी वाला आ गया, इसके अंदर ध्यान से रखा करो बेटा, गलत मत करके ना, फिर बोलोगे पढ़ा तो। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल कॉमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विद द ट्रैकिंग डिवाइसेस विद एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, एक डिवाइस लगा दिया यार, ट्रैकिंग डिवाइस विद एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, मतलब कुछ दिक्कत आ जाए तो आप बटन दबा के कर दो, तो ये सारे कमर्शियल व्हीकल पे, जैसे मान लो कि ट्रक जा रहा हाईवे में लूटने आ गए तो बटन दबा देगा तो कम से कम कोई आपको रेस्क्यू करने आ जाएगा, तो ये कौन कर रहा है, ये बी वाला क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं इस तरह, ठीक है, तो अच्छी चीज़ें आजकल हिमाचल प्रदेश बहुत कर रहा है, पहले ज़माने में था कि अगर कोई अच्छा आएगा तो केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पर होता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ हिमाचल प्रदेश नहीं करते। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, हिमाचल प्रदेश पंजाब में जब से अलग होकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने, तो हिमाचल प्रदेश के पास बहुत कुछ था नहीं, क्योंकि जो टूरिज़्म भी था वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा चला जाता था, कश्मीर में, हिमाचल के पास इतना टूरिज़्म को लेकर भी कुछ था नहीं। बाद में जब लेट 80s में जब आतंकवाद फैला कश्मीर में, तो ये कुल्लू और मनाली जैसी चीज़ें बड़ी फेमस हुई, वो लोग यहाँ पर डाइवर्ट हुए, उसके बाद फिर से नॉर्मलसी आ गई यहाँ पर, तो फिर से वो लोग चले गए कश्मीर की तरफ। अब हिमाचल प्रदेश ने कहा कि यार अब कुछ तो करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, सर्वाइव तो करना मुश्किल काम है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि एक सवाल आपको बनता है कि राज्य बड़े होने चाहिए कि छोटे होने चाहिए, सवाल हम डिस्कस करते हैं कि राज्य का साइज बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, ये किस कैसा होगा। तो राज्य छोटे हों या बड़े हों वो मैटर नहीं करता, वो सस्टेनेबल होना चाहिए, अपने आप को झेल पाए, अपने खर्चे झेल पाए। अब हिमाचल प्रदेश कहने को तो छोटा सा है बट वो सस्टेनेबल नहीं है, उसके पास इकोनॉमी नहीं है, टूरिज्म पे कब तक चलेगा भाई, टूरिज्म पे कब तक चलेगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि चलो हम आम सेब जो है वो करेंगे, फ्रूट को करेंगे, फ्रूट में सेब आ गया, नाशपाती आ गई, प्लम आ गया, ये आ गया, उसने भी अच्छा खासा किया, फिर उससे भी सर्वाइवल नहीं हो पाया, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, इन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जमीन देना शुरू कर दी सस्ते दरों पे। जैसे कि बद्दी इलाका है वहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, तो जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं वो वहाँ पर जाके अपना प्लांट लगाना शुरू कर दिया लोगों ने। तो हिमाचल प्रदेश इस समय हब है फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, जो वहाँ पर जाके वो अपने कर रही हैं। तो किस तरह से अपने रिसोर्सेज को बनाना, अपने आप को एक कहते देखना कि आपके पास क्या है, उनके पास पहाड़ थे, उन्होंने पहाड़, अब पहाड़ में खेती भी नहीं हो सकती, तो इसी काम के लिए काम करना शुरू कर दिया। आज फार्मास्यूटिकल या तो गुजरात में सेंटर है या तो हिमाचल प्रदेश में सेंटर है, वहाँ पर आप कभी भी किसी कॉस्मेटिक का या दवाई का आप रैपर को देखोगे तो आपको या तो गुजरात का एड्रेस दिखाई देगा या हिमाचल प्रदेश का एड्रेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये हम शिक्षा ये मिलती है कि यूपी वाले भी कर सकते हैं, जो हिमाचल वाले कर सकते हैं, तो यूपी भाई हमारा बुलंदशहर इलाका जो है जहाँ पर पानी कमी है, जहाँ फैक्ट्रीज नहीं है, जहाँ गरीबी ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी तो हम टारगेटेड कर सकते हैं ना। इसे बातें मैं इसलिए बताता हूँ कि मेंस में लिख सको एक बात है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में किया कि बेसिक फैसिलिटी देने के बाद वो इलाका अच्छा हो गया, तो हम भी ऐसे जो बहुत पिछड़े इलाके हैं हम कुछ ऐसा करके बेसिक, भाई अगर हम बुलंदशहर बुंदेलखंड इलाके में जहाँ पर पानी नहीं है, अगर पानी की सप्लाई अच्छा कर दें तो जमीन वहाँ की पानी अच्छा, तो कंपनी वहाँ पे आ सकती कि नहीं, सस्ती दरों पे आप कंपनी देना शुरू कर दो कि भाई जो कंपनी यहाँ सेटअप करेगा हम उसको रियायत देंगे। बेसिक फैसिलिटी पानी तो है यार, दे दो किसी तरह, खर्चा करके पाइपलाइन पहुँचा दो किस तरह, क्या कौन सी बड़ी बात है सब चीज़ें। विच स्टेट रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट ऑल्सो नोन एज
नामसाई डिक्लेरेशन विद आसाम टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट। किस राज्य ने हाल में सीमा विवाद को हल करने के लिए आसाम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे नामसाई घोषणा के रूप में कहता है, जिसको अरुणाचल प्रदेश ने किया है, ठीक है। और अभी पीसीएस प्री में सवाल आया था आपका, इसमें ये आया था कि अभी त्रिपुरा के साथ नहीं मणिपुर वाला था समझौता, कौन कौन से मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, इसी तरह का सवाल आया था ना आपका। तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश का ये सवाल आ गया कि दोनों ने बॉर्डर डिस्प्यूट को कर लिया कि ठीक है, ठीक है। तो ये बस इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें लगभग 70 साल से ये डिस्प्यूट बना हुआ था दोनों के ऊपर, ठीक है। इंडियन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क निम्नलिखित में किस शहर में स्थापित किया गया है, तो वह है दिल्ली। सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये बन गया, सवाल है ई वेस्ट। व्हाट इज ई वेस्ट, ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट का मतलब होता है जो हमारे घर में ई ले जाओ, ये कचरा पड़ा हुआ है, ई मतलब ई ई ले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, यानी कि आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, चार्जर, ये सब है। और ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज है, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना इस बात का, ये इसके ऊपर पक्का लिखा जाएगा कि ये बहुत बड़ा खतरा है। ये आप नए नए मोबाइल 6-6 महीने में बदल देते हो और फेंक देते हो, कहीं तो फेंका जाता होगा ना, अब उसके अंदर दिक्कत क्या है, जो कंपोनेंट्स हैं, अब मान लो बैटरी तो उसके अंदर लगी होती है, अब जब कचरे पे कचरा जाएगा तो पता लगा बैटरी ब्लास्ट कर जाती है, पहला खतरा। दूसरा खतरा क्या है, जहां भी डंप किए जाएंगे, क्योंकि मेटल्स हैं ये, तो मेटल जो है पानी पड़ता है, और जब तो ये पानी रिसता हुआ जमीन में चला जाता है, तो ग्राउंड वाटर टेबल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसके अंदर मेटल चले जाते हैं और वो पानी खराब कर देते हैं आपका, वहां पे जिस जमीन पे फेंके जाते हैं उस जमीन को खराब कर देते हैं ये, ठीक है। अभी कोबाल्ट 60 नाम सुना कभी, कोबाल्ट 60 आज से कुछ साल पहले की बात है, आईआईटी कानपुर ने, सॉरी आईआईटी दिल्ली ने, उनकी लैब ने कुछ रिसर्च किया, कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, उसको यूज किया, बनाया, उसके बाद आके बाहर फेंक दिया, वहां फेंका पता कोबाल्ट 60 पड़ा हुआ, रेडिएशन डिटेक्ट कर ली गई। अगर वो तो गनीमत है कि इससे किसी को कैंसर या कुछ ऐसी चीजें हुई नहीं, अभी ई कचरा है कि नहीं है ये सर, ये तो अब ई कचरा के ऊपर सरकार की पॉलिसी क्या है ये पढ़ना है आपको। एक तो मैंने पढ़ा दिया, कोई 3-4 चीजें पढ़ दी हैं, सवाल क्या आएगा कि सरकार की पॉलिसी क्या बनाई है सरकार ने, तो 3 चीजें हमने पढ़ ली। अगर प्री का सवाल आएगा तो प्री वाला सवाल देख लिया हमने, और मेंस के देख लिया कि कारण प्रॉब्लम क्या है और सरकार के पास सोल्यूशन क्या है इसका। सरकार जो हमेशा बिल और ड्राफ्ट जो होते हैं इनको पढ़िएगा, ये मेंस है आपका, हम भविष्य पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए भी नजर में रखना जरूरी है कि कहां पर फोकस करना है हमें। तो ये करंट अफेयर्स आपका आज का खत्म हो गया भाई इस हफ्ते का, कोशिश मेरी रही है कि आपको डिटेल में पढ़ाया जाए कि आपको प्री और मेंस दोनों की चीजें आपको समझ में आए।